तारीफ करूं क्या उसकी जिसने तुम्हें बनाया। क्या है ये सब? कैसी हो तुम? अच्छी हूँ मैं। हर यहाँ पूरे 21 दिन का सर्कल हो चुका है, एक साइकिल बन चुका है। 21 दिन से तुम्हें रोज देख रही हूँ और रोज तुमसे बात करना चाहती हूँ, लेकिन आज बहुत हिम्मत जता के तुमसे बात करने आई हूँ। ओहो, हाँ ऐसी क्या बात थी यार? तुम लग गई इतनी प्यारी रही हो, इतनी सेक्सी सी रही हो, मतलब इतने प्यारे कपड़े, तुम्हारी फुटवेयर्स, तुम्हारे बाल। कौन से शैम्पू से नहाती हो तुम? ओ हेलो, शैम्पू मुझे ओनली बॉयज में इंटरेस्ट है। अच्छा, लड़कों में? गर्ल्स में कोई इंटरेस्ट नहीं है। देखो, इंटरेस्ट तो बनाने से बनता है, अगर तुम चाहो तो मैं इंटरेस्ट बना सकती हूँ, ऐसी बात नहीं है। नहीं देखो, तुम भी इतनी हसीन, मैं भी इतनी हसीन, दोनों मिलके कितना मजा आएगा, तुम कर सकती हो। नहीं, ये क्या मतलब कि बदतमीजी क्या है? हमेशा ना दुनिया में ना हर किसी से ना अलग होना चाहिए। अब लड़कियों को नॉर्मली लड़कों में इंटरेस्ट होता है, लेकिन ना आजकल ना लड़की लड़की का जमाना आ चुका है, ठीक है? लड़की लड़की एक दूसरे के साथ ज्यादा केमिस्ट्री, ज्यादा पसंद करती है, और तुम इतनी प्यारी लग रही हो और फिगर विगर एकदम, बस क्या ही होता है। गर्मी क्यों कर रही हो इतनी, बताओ? चलान कट जाएगा बाहर जाके। ऐसा कुछ भी नहीं है, मुझे लड़कों में ओनली इंटरेस्ट है, मुझे कोई गर्ल्स वगैरह में इंटरेस्ट नहीं। गर्ल्स में इंटरेस्ट नहीं है, मुझे ज्यादा परेशान करने की। तुम यहाँ से जा सकती हो? तुम कहाँ से हो बेसिकली? मैं कहीं से भी हूँ। तुम्हारे घर जाके रिश्ता तय करना ना, रिश्ता फाइनल करूंगे ना हम दोनों का, फिर हम लोग साथ में रहेंगे, समझ रही हो? मतलब कि जो बॉयज कर सकते हैं वो तुम कर सकती हो क्या? यार मैं वो सब कर सकती हूँ जो बॉयज कर सकते हैं, ठीक है? बस मेरे तरीके अलग हो जाएंगे थोड़े से, ठीक है? थोड़े से तरीके अलग है, लेकिन काम वही होगा। नहीं नहीं नहीं, मुझे सोच लो, देखो तुम इतनी प्यारी खूबसूरत लड़की हो, तुम यहाँ से जा सकते हो कैसे? मतलब कि मैं इतने अच्छे से फोन चला रही हूँ, उसके बाद आकर तुम मुझसे किस तरीके से बात कर रहे हो? तुम्हें बिल्कुल भी सेंस नहीं है, किसी को परेशान नहीं करना चाहिए। अच्छा, इतने रूड क्यों हो रही है? ठीक है यार, मैं प्यार से ही बोल रही हूँ ना, तुम्हें नहीं बोल रही हो, मुझे नहीं बात करनी। हाय बेबी, क्या हो गया? क्या है? हैं? क्यों है यहाँ पे? चल यार, एक मिनट, उसको भगा क्यों रही हो? तमीज क्या होती है? तमीज क्या है? उसको पैसे चाहिए होंगे। इधर आ बेटा, इधर आ। ये ऐसे ही होते हैं गरीब लोग। अच्छा? इनके मामा भी ने ऐसे ही छोड़ देते हैं, हैं? और मांगने के लिए, भीख मांगने के लिए कि मेरे बच्चे पर चप्पल नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, कुछ भी नहीं। इनके माँ बाप भी इन बच्चों को पैदा इसलिए करते कि इन्हें ताकि भीख मंगवा सके। अच्छा, ना सही भीख मांगने के लिए छोड़ते और क्या, ये होते इसलिए। अच्छा तो तुम इनकी बेकदरी करोगी, पता है कितने साल की लग रही है वो तुम्हें? कितने भी साल की हो? कितने साल की? एक साल की नहीं लग रही है। परेशान करेगी तो मैं ऐसे ही बोलूंगी। दो साल के बच्चे के साथ तुम ऐसा बिहेव कर रही हो? मुझे परेशान करेगी तो मैं ऐसे ही बोलूंगी। तुम्हारे माँ बाप ने यही संस्कार दिए तुम्हें? यही संस्कार दिया कि बच्चों से बदतमीजी करो? फेस देखो उसका कितनी मासूम सी है। वैसे भी मेरे माँ बाप ने मुझे कोई संस्कार नहीं दिया। मैं फेस देख ले उसका कितनी मासूम है यार, वो तेरे को तमीज नहीं है बात करने की? इतना रूड क्यों हो रही है? मुझे तमीज नहीं है। इतना चिल्लाने की जरूरत नहीं है। तुम्हें तमीज है ना? मेरे को तमीज है, लेकिन मैं ऐसे बात तो नहीं कर रही ना। अपने घर ले जाओ तो यार, तेरे को अपने साथ को तुम और तेरे को पैसे नहीं देने, तेरे को उसकी मदद नहीं कर रही हूँ, मांग रही है, कोई बात नहीं, ठीक है? तो बदतमीजी तो मत कर एटलीस्ट। अरे तुम्हें इतनी दया आ रही है तो तुम इसे लेके जाओ ना। तुम्हें ले जाऊंगी, मैं ले जाऊंगी, मेरी चिंता मत कर, मेरी चिंता मत कर। आकर बैठी क्यों यहाँ पे? मेरे को तो लगता है तेरे माँ बाप ने ऐसे संस्कार दिया। हाँ, मेरे माँ बाप की छोटे छोटे बच्चों के साथ ऐसा बर्ताव। मेरे माँ बाप ने यही संस्कार दिया है। कितनी गवार है ना यार तू। हाँ मैं गवार, क्योंकि पढ़े लिखे लोग कभी ऐसी चीजें तो करेंगे नहीं। तू पढ़ी लिखी लग ही नहीं रही है ना। मैं गवार हूँ, बच्चों के साथ बदतमीजी कर रही है तो इसलिए बदतमीजी करती है। भिखारी है, गरीब है, मांगते रहते हैं, इसलिए कर रही थी ना। हाँ, तेरे को ये नहीं पता ये लोग भी इंसान ही है, एक इंसान है, इनको भी भगवान ने बनाया, भगवान ने बनाया इनको। बदतमीजी मेरा बदतमीज ना करके तुम यहाँ से जा। मैं तेरे को प्यार से समझाना चाहती हूँ कि थोड़ा ना थोड़े तमीज से बात कर। उसने तो वो यार, उसकी शक्ल देख यार, वो कितनी प्यारी है, ठीक है? और तू उससे बदतमीजी कर रही है, इतना रूड हो रही है। इससे ना माँ बाप ने जो संस्कार देना वो पता चलते हैं, ठीक है? किसी ने कहा गरीब है, वो गरीब है, ठीक है? किसी ने कहा मुझे आके समझ यार, वो गरीब है तो उसकी थोड़ा गलती है। तो उसकी गलती नहीं है, उसके माँ बाप की गलती है, वो उसे लेके जाए। वो ऐसे क्यों छोड़ रखे हैं? वो कम से कम रोती हुई जाएगी तो अपने माँ बाप के पास। तेरी जैसी गवार और घटिया लड़की ना मैंने आज तक नहीं देखी, ठीक है? इतनी रूड लड़की ना मैंने आज तक नहीं देखी। और सुन मेरी बात सुन, क्योंकि तूने बदतमीजी करी है ना, तेरे को मैं यूं तो जाने नहीं दूंगी। कहाँ से है तू? बता, कहाँ से है तू? बता दे। मैं कहीं से भी हूँ। है कहाँ से तू? इस समय मैं यहाँ बैठी, मैं यहीं
से हूँ। अच्छा यही से है? हाँ। अच्छा तू यहाँ की डोन है क्या? हाँ है? तेरे यहाँ पे रूल चलता है क्या? हाँ। तो बहुत ही गलत सोच रही है तू ऐसा, क्योंकि मैं भी इसी एरिया में रहती हूँ और इस लोकेशन पे ना फैमिलियर लोग रहते हैं, तेरे जैसे लोग नहीं रहते हैं। इस पार्क में सिर्फ फैमिलियर लोग आते हैं, जो पढ़े लिखे लोग होते हैं, एजुकेटेड लोग होते हैं। इस पार्क में भिखारी भी आते हैं। तमीज से बात कर, भिखारी नहीं है वो, इंसान है। ठीक है, अगर उन्होंने गरीब जन्म लिया ना तो उसमें उनकी कोई गलती नहीं है। ठीक है, नसीब होते हैं अपने पिछले जन्म के कुछ। ठीक है, थोड़ा तमीज से रहना सीख ले। तेरी इस रूड से ना, जो तू इतना रूड हो रही है ना, इससे कुछ नहीं होगा। ठीक है, हो गया। ऊपर वाला सब देखता हो गया। अब मैं तेरे को मार, मैं मेरा मन तो ऐसा करे तेरे को एक थप्पड़ चेपूं, ताकि तेरे को पता चले कि इनकी भी कोई इज्जत होती है। थप्पड़ चेपूं ऐसे ही, कोई कोई भी सड़क चला आएगा और मुझे थप्पड़ चेपेगा, मैं थप्पड़ चिपवा लूंगी। है तो तू इनसे बदतमीजी करने का कोई कोई अधिकार नहीं है, कोई राइट नहीं। हाँ, मुझसे नहीं बोलेंगे, मैं बदतमीजी नहीं करूंगी। तो मुझसे तो पैसे मांगे तो उसको प्यार से बोल दे, पैसे नहीं है तेरे पास। मुझसे प्यार से बोल दे जाने को। मुझे प्यार से बोलना नहीं आता है, मैं ऐसे ही बोलूंगी। तो तेरे जैसे घटिया इंसान मैंने आज तक नहीं देखे जिंदगी में। और तू इंसान नहीं है, तू जानवर है, क्योंकि इंसान कभी ऐसी हरकतें नहीं करते हैं। और आजकल के लोग इतने पढ़े लिखे हैं ना कि चलो पैसे नहीं होंगे, लेकिन बेकदरी नहीं करते हैं। जितनी तू बेकदरी कर रही है उसकी, उसकी शक्ल देख ले, उसकी मासूमियत देख ले उसकी। ठीक है, रोने को गई है वो, डर गई है वो, सहम गई है। अगर तेरे साथ कोई, भगवान ना करे किसी के साथ भी ऐसा हो, लेकिन अगर तेरे पास भी थोड़ा बहुत ही पैसे ना होते, खाने को कुछ खाना ना होता, कपड़े ना होते पहनने को, और तेरे से कोई ऐसा बर्ताव करता, तुझे कैसा लगता? इनकी जगह आके ना फील किया करो एक बार। पर तू ये चीज़ें सोच नहीं पाएगी, क्योंकि ना सबके पास ना एक सच्चा दिल होता है, जो कि तेरे पास नहीं है। तेरे में वो इंसानियत ही नहीं है, तू उस तरीके से सोच पाए, उस नज़रिए से देख पाए। मेरे जैसा, मतलब कि मेरी जगह ना सच्चा दिल तुम्हें ही दिया है, तो सच्चे दिल का इस्तेमाल तुम करो। ठीक है, मुझे लिमिट्स में रह के बात कर अपनी। ठीक है, मैं औकात में रह, क्योंकि तेरी औकात पता चल रही है। मैं अपनी औकात में हूं। तेरी औकात पता चल रही है, तो कम कर, निकल यहां से। चल, जिसको निकल यहां से। क्यों निकलू? निकल यहां से, मतलब आपने पार्क बनवाया, फैमिलियर लोग है यहां, यहां पारिवारिक लोग आते हैं, पारिवारिक लोग आते हैं। तेरे से घटिया अनपढ़ गवार जाहिल लोग नहीं आते हैं। निकल से मैं यहीं रहूंगी, नहीं निकलूंगी। तू है ही नहीं यहां से, मेरे को कोई ऊपर वाले भी आके कहते तू यहां से है ही नहीं। मैं यहीं से हूं, क्योंकि परिवार के संस्कार होते हैं ना। लिखा हुआ है क्या मैं यहां की नहीं हूं? तू है ही नहीं यहां की, है ही नहीं। पढ़ी लिखी तो तू है ही नहीं, क्योंकि तभी तो उनकी बेकदरी कर रही है ना। नहीं पढ़ी लिखी हो मेरी जगह, तुम पढ़ी हो ना। एक काम कर, सामने से निकल, अदरवाइज सिक्योरिटी गार्ड को बुला के ये बोलूंगी कि ये बच्चे से बदतमीजी कर रही थी, उसको धक्का देने की कोशिश कर रही थी, यहाँ से चुपचाप निकल जा। ठीक है, इससे पहले मेरा पारा हाई हो जाए, मेरे को गुस्सा आ जाए, मैं एग्रेसिव हो जाऊँ, तो निकल। क्योंकि मेरे सामने कोई ऐसे बच्चों के साथ बदतमीजी करे, या कोई भी हो, ओल्ड एज लोग भी हो ना, किसी के साथ भी बदतमीजी होती है ना, मैं बर्दाश्त नहीं करती। अब बर्दाश्त नहीं करती तो जाओ ना यहाँ से तुम। तू जाना यहाँ से, बदतमीजी कौन कर रहा है? बदतमीजी कौन कर रहा है? मैं क्यों? बदतमीजी कौन कर रहा है भाई? मैं तुमसे बदतमीजी करी? उससे बोला, उसे तेरे को हाथ लगा? मैंने उसे बोला, मैंने हाथ तो मैंने भी नहीं लगाया उसे। हाथ नहीं, तूने हाथ नहीं लगाया? बदतमीजी नहीं करी? मैंने हाथ नहीं लगाया। तेरी आवाज देखी थी कैसी थी? तरीका देखा था कितना लाउड थी तू, कितनी रूड थी। मेरी आवाज ऐसी है, मैं ऐसे ही बोलूंगी। हाँ, क्योंकि तू निठल्ली और गवार और घटिया इंसान है। तेरी सोच खराब है, तेरी सोच खराब, तुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे कोई फर्क। और सुन, एक चीज और बता दूं तेरे को, मेरा ना यूट्यूब पे चैनल है, मैं सिर्फ एक नॉर्मली फ्लर्टिंग कंटेंट शूट करने आई थी तेरे साथ। ठीक है, मेरे को नहीं पता था बच्चा बीच में आ जाएगा, फिर ऐसा हो जाएगा। और एक बार पहले भी मेरे साथ ऐसा हुआ था, तो मैंने उसकी वीडियो यूट्यूब पे डाली थी, और सेम सामने कैमरा लगा हुआ है, और तेरी पूरी शक्ल ना कैप्चर कर लिया मैंने। ठीक है, और ये पूरी वीडियो तेरी रिकॉर्ड करके अब यूट्यूब पे डालूंगी, देखूंगी, दिखाऊंगी लोगों को कि ऐसे कुछ घटिया अनपढ़ गवार लड़कियां होती है जो बच्चों के साथ ऐसा करती है। आई नो, समझ गई? दिखाओ। हाँ, एक्सपोज करूंगी ना, पता चलेगा। ठीक है, यहाँ से है नहीं, क्योंकि यहाँ पढ़े लिखे लोग रहते हैं। समझ गई? जाओ। अरे बेटा, गवार तुझे कल पता चलेगा ना क्या होता है। वीडियो देख लियो सुबह 11 बजे, वीडियो देख लियो सुबह 11 बजे। चल ठीक है।